मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं उनके लिए वो क्या किस तरह से प्रयास कर रहे हैं और किन किन योजनाओं पर जिससे कि अधिवक्ताओं का उद्धार हो सके उस पर काम कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको एक तो बैठने की जगह नहीं है, लोअर कोर्ट में ज्यादा फैसिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी हम बैठने की जगह नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम लोकर तक नहीं दे पा रहे हैं। परंतु मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑफिस बेयरर से बात करी है कि इस साल हम हर एक जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसको हम एक लोकर तो जरूर देंगे। हम जगह ढूंढ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन लोकर्स को कहाँ रखा जाए, क्योंकि जब वकील अपनी फाइल या अपना गाउन या कोट रखने की भी जगह ना मिले उसे तो कैसे वो काम कर पाएगा। और दूसरा, जो वकीलों को ज्यादा से ज्यादा वकीलों को पैनल पे रखा जाए। और एक और स्कीम आई है जो जजेज ने हमें बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कि जो ट्रांसलेशन होती है, जो डिफरेंट लैंग्वेज, कर्नाटक से केस आता है तो वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज में सारी प्लीडिंग्स थी, तो वो जब हमारे को सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डलती है तो उसमें ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में देनी होती है, तो वो सारी ट्रांसलेशन का काम भी हम वकीलों को दिलाएंगे, उनको ट्रेन करा जाएगा और ट्रांसलेशन का भी काम करने से उनकी कमाई भी होगी और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सर सर्वोच्च न्यायालय है, बावजूद उसके इतनी समस्याएं हैं तो सरकार का किस तरह से रुख रहता है, क्या सहयोग है? सरकार चाहती है अगर उनको बताया जाए। दिक्कत अभी तक ये थी कि हमारे जो लीडर्स थे, प्रेसिडेंट वगैरह, वो कभी सरकार से बात करना ही नहीं चाहते थे, सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री को या कानून मंत्री को जाके मिलके उनको रिक्वेस्ट करें। परंतु हमने इलेक्शन जीतने के बाद बोला हमें ईगो में नहीं रहना है, हमारे को सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी रिक्वेस्ट करके अपनी मांग पूरी करानी है। और मुझे खुशी है कि जितनी मांग हमारी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के जजेज के हाथ में थी वो उन्होंने पूरा किया है। जो पुरानी जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज थी उनको वो जो है ये रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिले, क्योंकि वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव के सीनियर पदाधिकारी थे वो कन्फ्रंटेशन रखते थे। सर हाल ही में कानून मंत्री जी ने कुछ वादे भी किए हैं एडवोकेट्स के लिए, तो क्या वादे हैं वो इस तरह से आप देखते हैं उसको? 30 नवंबर को मेरा बर्थडे था, उसी दिन जो है चीफ जस्टिस ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे का प्रोग्राम का टाइम दिया था, तो उसके अंदर कानून मंत्री ने जो हमारी डिमांड थी कि वकीलों के इंश्योरेंस होने में बहुत दिक्कत आ रही है, पिछले 2 साल से वकीलों का इंश्योरेंस जो बार एसोसिएशन कराती थी वो भी हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज वकीलों का इंश्योरेंस ग्रुप हाउसिंग ग्रुप में करने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा जो आम आदमी से अगर 20,000 रुपये ले रहे हैं, हमारे से 50,000 मांग रहे, तो हमारे वकील वो ऐसा नहीं दे सकते। तो कानून मंत्री जी ने कहा कि वो ये सारा चीज का कोई डिफिकल्टी नहीं आने देंगे, पैसे की डिफिकल्टी नहीं आने देंगे। और हमने भी एक स्कीम बनाई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं, उसके अंदर भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन, केवल जिसका काम इंश्योरेंस का कराना, वकीलों का मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वो होगा, और हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कोई भी पैसा उस पॉलिसी को लेने में नहीं लगेगा, वो ये ट्रस्ट मीट आउट करेगी।
सर क्या मैसेज देना चाहेंगे साथी अधिवक्ताओं को? कि हमें अपने क्लाइंट्स के लिए सिंसियरिटी से काम करना है, हमें केसेस का जल्दी डिस्पोजल कराना है, इसी से हमारा जो प्रोफेशन है वो ग्रो होगा। अगर हमारे केसेस में डिस्पोजल में देरी होगी तो जनता का विश्वास हमारी न्यायिक प्रक्रिया से उठ जाएगा और उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अधिवक्ता भाइयों को होगा।